नमस्ते, प्रवीण सुराना की प्रणाम। मैं अहमदाबाद गुजरात से कि आज राष्ट्र बहुत ही बढ़िया ढंग से महान नेतृत्व में चलाया जा रहा है। पूरा राष्ट्र सुरक्षित है और इस महान नेता को लोग वर्षों तक याद करेंगे और ये बात याद करेंगे कि महामारी से कैसे बचाया सबको। इसकी कठिनाई तो हो रही होगी, परंतु मेरे हिसाब से तो कोई कठिनाई नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि इस क्वारंटाइन के दिनों में लोगों को घर में एकांत में परिवार के साथ में रहने की आदत पड़ी है। लोग छुट्टियां मनाने महीने भर खर्चा करके जाते हैं। इस बार कंपलसरी आपको जो घर में रहना है, तो एक तरह की छुट्टियां हुई है। यहाँ पर कई तरह की बातें आई है। कुछ लोग जो डिस्टेंस थेरापी करते डिस्टेंस पढ़ते हैं, उनके लिए ये गोल्डन समय आया है। जो लोग डिस्टेंस से कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और इंजीनियर हैं, उनके लिए भी बहुत गोल्डन का समय है। क्योंकि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं तो गाड़ियाँ ली चल दिए, समय बिना मतलब का भी व्यय कर रहे हैं, वो सब व्यय बंद हो गया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी अभिनंदन की बात यह है कि हमारे 130 अरब की आबादी के अंदर यदि 1000 आदमियों की मृत्यु हुई है, तो मृत्यु दर वास्तव में देखा जाए तो सचमुच बहुत कम है। दुख की बात है कि 1000 भी नहीं मरते। सरकार का तो प्रयत्न यही था, पर असंभव बात को संभव नहीं कह सकते। तीसरी बात यह है कि जो बीमार अभी क्या हो रहा है कि कोरोना के सिवाय किसी की मृत्यु ही नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। जो भी है, जो भी बीमार, कोई भी तरह की बीमारी हो, सरकार उनको बढ़िया से टेस्टिंग करके और कोरोना की टेस्टिंग अलग छांट करके उनका इलाज करवा रही है, प्रयत्न पूर्वक कर रही है। इसलिए मैं राष्ट्र के महानतम नेता, श्रद्धेय परम श्रद्धेय हमारे युग प्रधान प्रधानमंत्री महोदय को अभिनंदन करता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि विश्व जब तक संसार रहे तब तक आप अपना नेतृत्व संभाले हुए रखें। आप बहुत दीर्घायु हों। आज के युग की जो महानतम कठिनाई है कोरोना वायरस, और उसके लिए मेरा मानना यह है कि होम्योपैथी चिकित्सा इसके अंदर वरदान रूप सिद्ध हो सकती है। जो अभी ये लोग मानते हैं कि ये एक तरह की मलेरिया बुखार के बिगड़े हुए रूप का है कारण, तो कुछ भी हो, फ्लू का बिगड़ा है या निमोनिया बिगड़ता है, जो भी है, परंतु हमारा मानना यह है कि चाइना नाम की एक दवाई है, उसकी सभी पोटेंसियाँ बहुत बढ़िया काम करती है। पर चाइना 30 यदि कोई घर में रेगुलर जिसको देते हैं, हम लोग उन लोगों को देते हैं जो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, या कोई शरीर में से सत निकल जाए, खून निकल जाए, वीर्य निकल जाए, लेडीज़ को डिजीज आपके टाइम के बाद में कमजोरी आ जाए, कान में कुंडाले पड़ जाते हैं, गड़े हो जाते हैं, वापस खून का संचार सही नहीं होता है, चेहरे पर तेज जोश नहीं आता है, तो हम लोग चाइना 30 देखे 10-15 दिन में ही चमत्कार का अनुभव करते हैं, उसके परिणाम बढ़िया आने लगते हैं। तो वही चाइना जो सिंकोना नाम की दवाई है, उसका परिणाम यह है कि मलेरिया हो तो नहीं आती, मलेरिया नहीं हो तो चढ़ा देती है कच्चे रूप में लो तो, पर पोटेंटाइज होने से उसके दुर्गुण खत्म हो जाते हैं। जिन घरों में भी चाइना 30 का उपयोग होता है, बरसों से मलेरिया आई नहीं है, आती भी नहीं है, मेरा सर्वे है। और मैं मेरे अपने घर की बात बताता हूँ। दूसरी दवाई का नाम है एकोनाइट। सडन बुखार आ जाए तो एकोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। एकोनाइट की कोई भी पोटेंसी आप किताब में पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखें, अपने डॉक्टर को पूछें, सलाह करें। जनरली लोग एकोनाइट 30 लेना पसंद करते हैं। एकोनाइट 30 लेने से अचानक कोई चीज़ आई है तो ठीक हो जाती है। इसमें पित्त और भय संबंधी संज्ञाएँ भी समाप्त होती है, मृत्यु भय भी समाप्त होता है। ध्यान रहे, मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप दे रहा हूँ। तीसरी दवाई का नाम है कोनियम। कोनियम मृत्यु से निकालती है, मरे हुए को जिंदा करती है, चक्कर वर्टिगो को ठीक करती है। आर्सेनिक का भी बाप है, आर्सेनिक अलग दवाई है। आर्सेनिक में जलन और बेचैनी है, आर्सेनिक में बुखार है, आर्सेनिक चीज अलग है। यदि सरकार चाहती तो हमारे जितने भी देश के होम्योपैथ है सबको निमंत्रित करती, कंपलसरी उनको सेवा में लेती कि भी आप भी अपनी दवाइयाँ साथ में करो। वैद्य राजाओं को, जो वैद्य जी बहुत बड़े बड़े वैद्य हैं, उनको भी कहते हैं कि भी अपना फॉर्मूला मेडिसिन ठीक होने के बाद में पेशेंट को दो, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ बिल्कुल सचोट है, एलोपैथी से फास्टर है, रिजल्ट बढ़िया आते हैं, उसी समय आते हैं, ये बात पक्की है। मतलब उसके परिणाम, जैसे हम लोगों को किसी को बुखार आ जाए तो हम रस्टक्स देते हैं, पर रस्त यदि डॉक्टर रहेगा तो रस्टक्स का रिपीट नहीं करेगा बुखार में।
पर यदि रस्टक्स के उपयोग अन्य के है, यदि हम कहते हैं कि हमारे पास में दो दवाई और रस्टक्स और ब्राइनिया, तो हम संसार के सभी रोग इससे ठीक कर देते हैं। मैं मेडिकल दर्द भी इससे मिटाता हूँ, बुखार भी मिटाता हूँ, शरीर दर्द भी मिटाता हूँ, फ्रोजन सेंटर मिटाता हूँ। तो होम्योपैथी सिस्टम पर काम करती है। यह मेरे जो होम्योपैथी मित्र सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो जानते हैं। लास्ट एंड फाइनल बात ये कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी चिकित्सा के अंदर ऐसी ताकत है जो एंटीडोज क्रिएट करती है। सरकार चाहे तो ये मेरे बस की बात होती तो मैं कर लेता कि जो जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जिनको इन्होंने ड्रग लाइसेंस दिए हुए हैं, उनको बुला के कहें कि ये वायरस है, इस वायरस का एंटीडोज बनाओ। तो जब वायरस पोटेंटाइज किया जाता है तो मिलियन, तो फिर क्या होता है, उसका विपरीत गुण उत्पन्न होता है। जो मार रहा है वो जलाने लगता है। जो आपको, जो क्या कहते हैं कि शरीर के अंदर आपको न्यूमोनिया क्रिएट करने वाला है, वो रोग का विपरीत असर न्यूमोनिया ठीक करने लगता है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके नाम बता दें, जैसे टेरेंटुला क्यूबेंसिस मृत्यु तुल्य दर्द के लिए भी अमृत दवाई है। जलसीमियम जो लटक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, बुखार हो जाती है, उनकी अमृत दवाई है। जलसीमियम 200 बहुत बढ़िया होता है। मतलब कि एक एक दवाई अमृत के तुल्य है। यूपिटोपर्ट है, हड्डियों में दर्द हो जाए, जॉइंट पेन हो जाए, बुखार हो जाए। अच्छा, खाली लोग बुखार को एक ही तरह से मापते हैं, सबको न्यूमोनिटाइज डर लगता है, न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया। मैं खुद न्यूमोनिटाइज हूँ, मुझे ऑक्सीजन कम रहता है। मैं खुद सोचता हूँ कि क्या हुआ होगा मेरे बचपन में, आज मैं अच्छी तरह से अपने कार्य कर सकता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि जिन लोगों को ये तकलीफ हो, डरे नहीं, होम्योपैथी में इसकी खास दवाइयाँ है। देखिए, एंटी मार्स फेफड़ों की बहुत बढ़िया दवाई है, खांसी सर्दी उधरस की महानतम दवाई एंटी मार्स 30 पोटेंशियम लीजिए। एमोन कोस्टिकम गले में, गला बैठ गया है, गले में ताकत खत्म हो गई है वायरस से, लीजिए दवाई, चमत्कार देखिए। आप कहेंगे वाह भाई वाह, होम्योपैथी वाले तुरंत बोल देते चमत्कार, एलोपैथी वाले चमत्कार कहने से बड़ा झगड़ा कर लेते हैं। चमत्कार का मतलब रिजल्ट बहुत बढ़िया है। उसके बाद में दूसरी दवाइयाँ है, हम लोग, हमारे पास में दवाइयों का खजाना है। यदि किसी होम्योपैथ के पास चले जाओ तो वो आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक आग रहती है, समझदारी रहती है कि मैं क्या करूं और कैसे मैं ठीक करूं। और बहुत से होम्योपैथी हिस्ट्री लेके एक दवाई से ठीक कर देते हैं, बहुत से दवाई मिक्स रेमेडी करते हैं। सबके लिए मुझे आभार प्रणाम। यह दवाइयों की टिप इसलिए दे रहा हूं कि देश अभी बहुत संकट में है, कमाने की लालसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आदमी, जिसको भी जो सेवा चाहिए, फ़ोन करें, बताएं, पूछें, उनको जरूर जवाब मिलेंगे। जितनी शक्ति होगी उतना जवाब दे पाऊंगा। पूरा विश्व खाली है, पूरे संसार में लोग मेरी दवाई ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि बहरापन का इलाज मेरा मानना है कि मेरी सिवाय लगभग बहुत कम लोग कर पाते हैं। हमारे परिणाम ट्रीटमेंट के दरमियान ही आने लगते हैं। इस ट्रीटमेंट का खास बात यह है कि कान में दवाई डालने की जो है, उससे प्रोसेस चालू होकर नसें, तो हम मानते ही नहीं नसें सूख गई है। जब नसें सूखती ही नहीं है, प्रोसेस होकर कान की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद में कान का पर्दी वर्दी चालू हो जाते हैं और हड्डियों तक भी असर हो जाता है, यहाँ तक कि गली भी हड्डियाँ ठीक होने लगते हैं। लोग कहते हैं कान में छिद्र पड़ गया, हम मानते ही नहीं कि छिद्र पड़ गया, कि छिद्र पड़ गया तो कैसे, गटर तो, मतलब क्या है, छिद्र तो गटर में होता है। हमारे यहाँ तो कान में तो फिल्टर बड़े होते हैं, तो हमारी दवाई से फिल्टर ऑटोमेटिक भरने लगते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा का ये खास बात है कि ये दवाई जब काम करती है तो सिस्टम पर काम करती है, रिपेयरिंग करती है। एक बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि यदि संसार के लोगों का ध्यान जाए तो हमेशा होम्योपैथी चिकित्सा की कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, स्टेज पर होनी चाहिए, दवाइयों के लोगों को नाम बताने चाहिए, क्योंकि इसकी साइड इफेक्ट है ही नहीं। आज का युग ऐसा, आज संसार बच सकता है, पूरे संसार को होम्योपैथी दवाइयाँ हिंदुस्तान भेज सकता है, फ्री में भेज सकता है। मुझको दया आ जाए कि नहीं, मुझे संसार से कोई पैसा नहीं लेना है, विश्व को बचाना है, तो कोरोना की दवाइयाँ हिंदुस्तान भेज सकता है। हिंदुस्तान के पास में बहुत ताकत है। द्रव्य लें तो ठीक है, द्रव्य न लें तो ठीक है। मैं कहता हूँ इनको युग प्रधान प्रधानमंत्री कहता हूँ, युग प्रधान प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों कहता हूँ कि युगों के बाद में ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं। मैंने सचमुच तो नेहरू जी को भी सुना हुआ है, और गांधी जी को तो नहीं सुन पाया क्योंकि बहुत छोटा था, और इंदिरा जी को भी सुना है, और मैंने बड़े बड़े भाषण सुने हैं, पर जब भी मैं मोदी जी को सुनता हूँ तो एक विशेष तरह की प्रेरणा और आनंद का अनुभव होता है और इनकी बात मानने की इच्छा होती है। आज राष्ट्र पूरा एकजुट होकर के
एक नेतृत्व में जो काम कर रहा है उससे मुझे गौरव अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। और मैं मान रहा हूँ कि युगों के बाद में ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई है जिन्होंने पूरे देश को कंट्रोल किया है। प्रणाम। युग युग जिए, देश को बचाएं, संसार को बचाएं।